महामारी की मार से परेशान जनता की योगी सरकार से नाराजगी के अंदेशे से विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान का खेल शुरू हो गया है। बिहार में कामयाबी से जोश से भरे असुद्दीन ओवैसी अब यूपी में पैर पसारने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी ने हिंदी में ट्वीट करना भी शुरू कर दिया है। जोश ही जोश में ओवैसी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ होने का दावा करते हुए 100 उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया। ये बात मोर्चा के घटक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को नागवार गुजरी। पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को खंडन भी करना पड़ा। राजभर ने साफ कर दिया कि सिलसिले में ओवैसी से कोई बात नहीं हुई। मोर्चा में दलित नेता चंद्रशेखर की आजाद पार्टी भी शामिल है। समझा जा रहा है कि ओवैसी की चंद्रशेखर से बातचीत जारी है। साल की शुरुआत में भी दोनों के बीच यूपी चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी और पूर्वांचल के दलित और पिछड़ों को जोड़ने पर चर्चा हुई थी। ओवैसी का दावा है कि जो हमें साथ नहीं लेगा वो बीजेपी को रोक नहीं सकता। ओवैसी ने ट्वीट कर ये भी कहा कि उन्होंने प्रत्याशियों का चुनाव शुरू कर दिया है और उम्मीदवार का फॉर्म भी जारी कर दिया है। ओवैसी यूपी में घुसपैठ करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इससे पहले भी उनकी मायावती से सीटों के तालमेल की खबरें आई थी, जिनका मायावती ने खुद खंडन किया था। दरअसल बिहार चुनाव में AIMIM, BSP और RLSP ने सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ा था, जिसमें BSP ने 80 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत एक ही सीट पर मिली। वहीं AIMIM ने 20 पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें हासिल की। मायावती ये समझ गई कि AIMIM के साथ तालमेल में नुकसान ज्यादा है, नफा कम। मायावती सवर्ण और बैकवर्ड दोनों वोट बैंक में दखल रखना चाहती है और ओवैसी की पहुंच इन दोनों तक नहीं है, बल्कि ये भी तय हो गया है कि ओवैसी से किसी राजनीतिक दल को फायदा होगा या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन हिंदू वोटों के नुकसान की आशंका पूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी खुद भी मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करती रही और 2017 की यूपी चुनाव में तो मायावती ने 100 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ 5 को कामयाबी मिली थी, जबकि इसके पहले BSP के 17 विधायक मुस्लिम थे। वहीं पिछली बार समाजवादी पार्टी के 16 मुस्लिम विधायक चुनकर आए। यूपी की राजनीति की तासीर 2017 से इतनी बदल चुकी है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी बहुत घटा है। पिछली बार कुल 23 मुस्लिम ही विधानसभा पहुंच सके। हालांकि बीजेपी को कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी जीत हासिल हुई थी, लेकिन बीजेपी इस बार सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास नहीं कर पा रही थी। ऐसे में मुसलमान वोटों का बंटना बीजेपी की जीत के लिए जरूरी हो गया है। ऐसे में ओवैसी की कोशिशों को विपक्ष के वोटों में बंटवाने की कोशिश के रूप में दिखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी ओवैसी ने पूरा दमखम लगाया, लेकिन वो ममता के वोट बैंक में सेंध लगाने में नाकाम रहे। मुसलमान ये भी समझने लगे हैं कि जहां बीजेपी कमजोर पड़ती नजर आती है, वहां ओवैसी वोटों के बंटवारे के लिए पहुंच जाती है। जबकि मुसलमान राज्य में पहले भाई और फिर बीजेपी हराई और फिर सफाई के फॉर्मूले पर यकीन करते रहे, ऐसे में ओवैसी पर मुसलमान कितना विश्वास कर पाते, ये कहना मुश्किल है। रिपोर्ट ABN।